लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण मतदान से पहले दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। यहां टीएमसी के नेताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। पार्टी के कई बड़े नेता मंदिर मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि हमारा ये धरना जारी रहेगा। आपको बता दें, दिल्ली में सोमवार को चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने ड्रेक ओब्रॉयन और डोला सेन समेत टीएमसी के कई नेताओं ने प्रदर्शन किया था, 24 घंटे के धरने का ऐलान किया था। लेकिन उससे पहले पुलिस ने एक्शन लेते हुए धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में जबरन भरकर ले गए। टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर ड्रेक ओब्रॉयन ने कहा कि हम यहां लड़ने के लिए आए हैं, हम अपना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे, ये 100% तानाशाही है, पुलिस वाले हमें उठा ले गए। This is the situation. ये तो बाहर आके तो फिर उठा के ले जाएंगे ना, ये तो क्या करूँ, ये क्या करूँ। एक साइड ये MCC है, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये सब, ये तो तानाशाही, 100% तानाशाही। बट वी आर फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस, वी विल फाइट दिस। लेकिन फिर भी मोदी बाबू का पुलिस, अमित शाह का पुलिस, दिल्ली पुलिस बेवजह, हम शांतिपूर्ण धरना में थे, हम अनाउंस किए थे कि हम इसी मांग पर, इसी डिमांड पर 24 आवर्स धरना करेंगे, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने हमको उधर से, सब MPO को उधर से बहुत घसीट के लेकर गए। और जब सबको ले जाने के बाद हम अकेले थे, तब हम अकेले कैसे 144 तोड़ा हमको पता नहीं, लेकिन उसको पता है, इसलिए हमको अकेले भी अलग से लेकर गए। दरअसल टीएमसी ने ईडी, CBI समेत तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। उनकी मांग है कि NIA के DG, ED और CBI के डायरेक्टर को तुरंत हटाया जाए। दिल्ली में हुए इस बवाल को देखते हुए टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी सोमवार देर रात पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस से मिले। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने गया था। जिस तरह से महिला सांसदों को घसीटा गया और हिरासत में लिया गया, वो लोकतंत्र की हत्या है और इस हत्या के पीछे मुख्य कारण चुनाव आयोग है। क्यों आज के हठात करे रात्रि 9টার সময় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সাথে দেখা করতে এসেছে আপনারা জানেন, তার কারণ যে দাবিগুলি নিয়ে আমাদের 10 জনের প্রতিনিধি দল আজকে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের অফিসে, নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। আমি দাবিগুলোতে পরে আসছি, কি দাবি ছিল এবং সেই দাবিগুলো ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে আমাদের 10 জনের মধ্যে 5 জন সাংসদ ছিল এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলা, যারা মহিলা সাংসদ, তাদেরকে যেভাবে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে গেছে, আমি মনে করি দিনের আলোয় গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। এবং সেই হত্যার মূল কারিগর হচ্ছে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। আপনারা ভাববেন আমি কেন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া বলছি, কেন BJP বলছি না, কেন যার অধীনে দিল্লি পুলিশ বা CISF তাকে দোষ দিচ্ছি না। তার কারণ হচ্ছে যে গভর্নমেন্টটা রয়েছে, সেই গভর্নমেন্টের দায় এখন নয়, পুরো মেশিনারি স্টেট গভর্নমেন্ট হোক বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, যে মুহূর্ত থেকে নির্বাচন ঘোষণা হয় চলে যায় ইলেকশন কমিশনের হাতে। এবং সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে 10 জন যদি বসে প্রতিবাদ জানায়, তাদের হাতে কি ছিল, বোম, বন্দুক, লাঠি, কি ছিল, ঝগড়া। তো ইলেকশন কমিশন তো ইম্পার্শিয়াল কাম নেই করে, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है, वही उठाए डेरे कोबरा है ना डोला से, हमारा तो राज्यसभा एक पुलिस उसको खींच के ले गया, मैं इसको खोद निंदा करता। वहीं इस पूरे मामले पर BJP ने TMC पर पलटवार किया है। BJP महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि जनता जानती है TMC लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, बल्कि शाहजहां शेख को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रही है।
आपको बता दें शाहजहां शेख टीएमसी का नेता रह चुका है, उस पर संदेश खाली में ईडी पर हमला और महिलाओं से यौन उत्पीड़न का आरोप है। 26 फरवरी को उसे गिरफ्तार किया गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।